लगातार तीसरे दिन नर्सिंग छात्र संगठन ने अपनी मांगों को लेकर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इसी के तहत नर्सिंग की छात्र छात्राओं ने नर्सिंग परीक्षा नहीं कराने व जनरल प्रमोशन करने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाते हुए फूलबाग चौराहे की सड़क पर चक्का जाम कर नारेबाजी की और मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय एवं नर्सिंग काउंसिल की कार्य प्रणाली का विरोध किया, जिसमें मुख्य रूप से सत्र 2020-21 में प्रवेशित छात्र छात्राओं की प्रथम वर्ष का प्रमोशन कर द्वितीय वर्ष की परीक्षा कराना, जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग के अंतिम वर्ष के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करना और सत्र 2020-21 के छात्रों का भविष्य अंधकार में ले जाने वाले विश्वविद्यालय के लापरवाह अधिकारी एवं कार्य परिषद के सदस्यों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। धरने पर बैठी छात्राओं का कहना है कि हमसे बार बार अलग अलग तरह के नाम पर फीस ली जा रही है, लेकिन ना तो रिजल्ट घोषित हो रहा है और ना ही हमें प्रमोशन दिया जा रहा है, जिसके कारण साल दर साल बर्बाद हो रहे हैं। तीन दिन से बच्चों के समक्ष इस तरह की जो चल रहा है आंदोलन जरूर सफल होगा, क्योंकि ये हमारा एक पवित्र और एक गठबंधन तरीके का एक अपनारी सोच है, और जो सोच इन गवर्नमेंट के सरकारी लोगों के दिमाग तक नहीं पहुंच रही है, वो लोग सोच रहे हैं कि ये स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते, स्टूडेंट कॉलेज नहीं आते, और इस वजह से इतने दिनों से एग्जाम रोक रखे हैं। तीन साल से हमारे छात्र छात्राएं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम कब होंगे। कुछ बच्चे तो इतने गरीब परिवारों से आए हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है, लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के कानों में जू नहीं रेंग रही, और सभी कॉलेजों को एक साथ मान के और कॉलेजों के बच्चों के छात्रों का भविष्य अंधकार में कर दिया है। हमारे एग्जाम नहीं हो रहे, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं करा रही हमारी, इसीलिए हम लोगों को ये करना पड़ रहा है, हम लोग खुद मजबूर है। एग्जाम क्यों नहीं करा रही? क्योंकि जबलपुर यूनिवर्सिटी में कोई केस हो गया है घोटाला की वजह से, इसमें हमारी क्या गलती है? ना हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए, ना सेकेंड ईयर के हुए, ना थर्ड ईयर के हो रहे हैं, और अब 2 महीने बाद फोर्थ ईयर भी आने वाली है, अब हम क्या पढ़ेंगे? या ना तो हमें जनरल प्रमोशन मिल रहा है, ना एग्जाम करा रहे हैं। यह आज हमारा तीसरा दिन है। कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आता है, जो भी है आज ही है सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बैठे तो पुलिस भी आई, वरना पुलिस भी नहीं आती है। एक बार अपनी मांगे बता दीजिए, क्या मांगे हैं? मांगे हमारी ये, या तो हमारे एग्जाम कराए जाए, या फिर हमें जनरल प्रमोशन दिया जाए, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर भी है क्योंकि, और थर्ड ईयर, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हमारी फीस भी बर्बाद जा रही है, घर वाले हमसे रोज बोलते हैं क्या कर रहे हैं, हमारा भविष्य तो बिल्कुल बर्बाद है ना। कोई भी लगभग कितने छात्र छात्राएं आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए? हम लोग यहाँ पे 300-350 से ऊपर होंगे। यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं फूलबाग चौराहा। हम लोग यहाँ, मैं पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और नर्सिंग छात्र हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों की समस्या बस एक ही, या तो हमारे पेपर कराए जाएं, वरना हमें प्रमोशन दिया जाए। हम थक चुके हैं 3 साल से पढ़ाई करते करते, हम यही सोचते हैं अगले महीने हम लोगों की निकलेगी डेट शीट, कल निकलेगी, परसों निकलेगी, लेकिन आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। पैसा बराबर जा रहा है, कभी एनरोलमेंट के नाम पे पैसा ले लिया जाता है, कभी किसी चीज़ के नाम पे ले लिया जाता है, लेकिन एक भी बार एग्ज़ाम नहीं। एनरोलमेंट के 2 बार पैसे लिए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। पहले हम कॉलेज को बोलते थे तो कॉलेज बोलता था यूनिवर्सिटी को बोलो, जब यूनिवर्सिटी को बोला तो यूनिवर्सिटी अब सेंसलेस है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हाथ से भी मामला चला गया है। अब हम कोर्ट में जाएं, क्यों यूनिवर्सिटी के पास जाएंगे तो यूनिवर्सिटी बोलेगी हमने तो डेट निकाली लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं हुए क्योंकि स्टे ऑर्डर लग गया। अब सीबीआई के पास पहुंच गई, कितने साल और ऐसे बर्बाद होंगे हमें नहीं पता, और इस चक्कर में हम लोगों का पूरा भविष्य बर्बाद हो रहा है। बस यही है कि या तो प्रमोशन कर दो या फिर सीधी सीधे हमारे एग्ज़ाम कराए जाए। आज सभी छात्र छात्राओं ने यहाँ पे घेराव किया, जो रोड जाम की गई, आज 2 दिन हो गए, आज कोई प्रशासन नहीं आया, इसलिए सभी लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया और रोड जाम, चक्का जाम किया। हमारी मांग है यही है, 3 साल से बच्चों के एग्ज़ाम नहीं कराए गए हैं, पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है, यही मांग है बच्चों को जल्द से जल्द प्रमोशन दिया जाए और उनके एग्ज़ाम कराए जाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं 1 महीने के अंदर, तो पूरे मध्य प्रदेश में धरना चक्का जाम करेंगे,
और मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। पूरे ग्वालियर में जितने नर्सिंग कॉलेज सभी छात्र छात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में आक्रोश है नर्सिंग छात्र संगठन। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।